Hello everyone. Hi, this is Mitali. Welcome back to evidyarthi.in. Now we are moving on towards another process, the process known as the separation by centrifugation. अब क्या है process? एक बार यहाँ से देखते हैं, then उसके बाद अलग-अलग examples से उसको समझेंगे. Centrifugation can be used to separate the components of colloids since their particles are too small, cannot be separated by filtration. So, colloids के आप यहाँ पर कौन से पार्टिकल्स आ गए, हमारे कौन से कॉम्पोनेंट्स है, जैसे कि मिल्क, ठीक है, मिल्क हो गया, बटर हो गया, जेल हो गया, बहुत सारे ऐसे टाइप के हमने अपने चैप्टर में भी अलग अलग एलिमेंट्स पढ़े थे जो कौन सी कैटेगरी में आते थे, colloids में, ठीक है. सो सिमिलरली आपने देखा होगा, कभी भी अगर डेरीज को आप विजिट करो, दूध लेने जा रहे हो या कोई भी ऐसी जहां पर दूध दही का ये सब प्रोडक्ट्स जो है सप्लाई होता है, दिए जाते हैं, खरीदते हैं, सो वहां पर कुछ इस टाइप के बड़े बड़ी मशीन्स आपने देखा होगा जो इस्तेमाल होती है दूध को दही आपके बटर से, क्रीम से सेपरेट करने के लिए, ठीक है. सो ये सभी जो एलिमेंट्स है ये सभी सेपरेट किए जा सकते हैं बाय अ प्रोसेस नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है. अब बिकॉज इनके पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, अगर हम दूध में मलाई मिक्स है उसमें और अगर मुझे उसे सेपरेट करना है, तो घर का एक प्रोसेस हमने देखा है कि किस तरीके से अपने आप ही मलाई उसमें ऊपर जम जाती है. बट हैव यू एवर सीन कि हमारे घर में भी एक ऐसे लकड़ी के कुछ लंबे लंबे से रॉड्स होती हैं, उनको उसे रोटेट किया जाता है और उसके बाद अपने आप ही बटर जो है एक टाइम बाद उससे अलग हो जाता है. सो बिल्कुल सेम प्रोसेस को अगर हम इंडस्ट्रियल यूज में, यानी कि बड़ी बड़ी जगहों पर जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए हैं और बहुत ही ज्यादा मात्रा में उसे सप्लाई करना है जहां पर खरीदे जाते हैं, वहां पर हम एक छोटी सी लकड़ी की रॉड से उसको रोटेट नहीं कर सकते, ठीक है. सो वी यूज दी बिग मशीन्स विच इज यूज फॉर दी सेम पर्पस. तो अब होता कैसे है, एक बार पहले यहाँ से समझते हैं. सो हमारे पास कोई भी किस टाइप का डिवाइस होगा, यानी कि हमें रोटेशन करवाना है और रोटेशन इतने स्पीड से होने वाला है कि जो भी एलिमेंट्स को हमें सेपरेट करना है, बिकॉज ऑफ दी हाई स्पीड रोटेशन अपने आप ही एलिमेंट्स अलग हो जाते हैं. सो लेट्स सी हियर, अगर आपको यहाँ पर बिफोर वाले प्रोसेस में क्या दिख रहा है कि हमारे पास जो भी टेस्ट ट्यूब है उसमें हमारे पास अगर दो टाइप के एलिमेंट्स मिक्स्ड हैं, वन इज द लिक्विड वन एंड यहाँ पर आपको डॉट स्ट्रक्चर में कुछ छोटा छोटा सॉलिड पार्टिकल्स भी दिख रहे हैं, सो ये इंटरमिक्स्ड हैं, एक साथ हमें दिख रहे हैं. बट आफ्टर रोटेशन जब इसने बहुत ज्यादा रोटेट किया, सो व्हाट वी फाउंड कि क्या हुआ, एक साइड पे जितना भी हमारे छोटे छोटे पार्टिकल्स थे वो क्या हो गए, एक्यूमुलेट हो गए और जितना भी हमारा लिक्विड पार्ट था वो उसके ऊपर इकट्ठा हो गया, ठीक है. सो बिल्कुल यही चीज हमारी करी जाती है बाय द सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स. बेसिकली किसी भी चीज को गोल घुमाने में, रोटेट करने में जो फोर्स लगती है, दैट फोर्स इज ऑल्सो नोन एज द सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स. चलिए अब इसे आगे समझते हैं. सो बेसिकली होता क्या है इसमें, किस प्रिंसिपल ये बेस्ड है, बट उससे पहले आप इससे क्लियरली पिक्चर से आप समझ जाओगे कि बेसिकली प्रोसेस में होता क्या है, व्हाट काइंड ऑफ रोटेशन इट इज और कितना हाई स्पीडली ये रोटेट होता है और अपने आप ही एलिमेंट्स, एक एलिमेंट बेस्ड ऑन देयर डेंसिटीज, कुछ एलिमेंट्स अपने आप ही नीचे बैठ जाते हैं और जो कम डेंसिटी के हैं या फिर जो कम डेंसिटी के वो अपने आप ही क्या होगा, टॉप में आ जाएंगे, ठीक है. तो यहाँ से इसका प्रिंसिपल एक बार समझते हैं. डेंसर पार्टिकल्स आर फोर्स्ड टू द बॉटम एंड लाइटर पार्टिकल्स स्टे एट द टॉप व्हेन स्पन रैपिडली. सो अगर बहुत तेजी से इसे स्पन किया जा रहा है, इसे गोल घुमाया जा रहा है, सो क्या होता है, जितने भी डेंसर पार्टिकल्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे दूध और बटर वाला एग्जाम्पल लेके चले, तो अपने आप हम देखते हैं कि बटर सारा ही नीचे इकट्ठा हो जाता है बिकॉज इट इज मच डेंसर देन कंपेयर टू दी मिल्क, ठीक है. तो जितना भी उसका लिक्विड फॉर्म होता है, पानी पानी वाला फॉर्म होता है, वो सारा ऊपर आ जाता है और हमारा जितना भी बटर वाला थोड़ा डेंसर मीडियम का जो एलिमेंट होगा, इट विल सेटल डाउन इन दी बॉटम, ठीक है, और बाकी पार्ट हमारा सारा कहाँ पे आ जाएगा, टॉप में आ जाएगा, राइट. चलिए सो अब इसके बाद क्या है, इसके बारे की इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे ये यूज हो सकता है. सो इट कैन बी यूज्ड इन डेयरीज एंड होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम. सो यही हमने इतनी देर से बात करी है कि किस तरीके से डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए ये यूनिट्स को यूज किया जाता है. सो आपने यहाँ पर आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से कैसे यूनिट्स आपको डेयरीज में
अगर नहीं भी कभी ध्यान दिया है तो अब कभी भी नेक्स्ट टाइम जाओगे तो इसे जरूर ध्यान देना कि इस टाइप के यूनिट्स हमेशा आपको कोई भी बड़ी डेयरी होगी ना जो खुद बनाते हैं, वो नहीं जो सप्लाई करके ला रहे हैं और आपको सीधा बेच रहे हैं। बट अगर आप व्हेनेवर यू विजिट अ बिग काइंड ऑफ फॉर्म या फिर कोई ऐसी डेयरी, वहां पर आपको ऐसी यूनिट्स पड़ी हुई मिल जाएंगी। तो वहां पर होता क्या है, यही है कि मिल्क से काफी सारा मिल्क लेके उसको अगर हमें बटर या क्रीम ऐसे ऐसे करके चेंज करना है सो इस टाइप की यूनिट्स को यूज किया जाता है, ठीक है। प्लस इसकी एक एप्लीकेशन हमारे घर में बहुत कॉमनली यूज होती है, इन वॉशिंग मशीन। हाउ? यूज्ड इन वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ्स। तो बेसिकली हमें पता है कि वॉशिंग मशीन में भी रोटेशन होता है, काफी स्पीड से हमारा जो उसका टब होता है जिसमें कपड़े डाले जाते हैं गीले, उनको क्या करा जाता है, सुखाया जाता है। सो कैसे होता है, उनका अंदर का पानी कैसे निकलता है, व्हेनेवर वी रोटेट द टब, जब भी वो टब रोटेट करता है तो जितना भी उसमें से पानी है, मॉइस्चर है, वो कहाँ स्क्वीज आउट हो जाता है, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से बाहर निकल जाता है, ठीक है। देन यूज्ड इन ब्लड एंड यूरिन टेस्ट इन लेबोरेटरीज। तो जितना भी हमारे लैब टेस्ट होते हैं कोई भी डिसीज को डायग्नोस करने के लिए, जनरली डॉक्टर्स क्या करते हैं, ब्लड या यूरिन टेस्ट के और भी बहुत सारे होते हैं, बट मेनली ब्लड एंड यूरिन टेस्ट में जब भी मुझे लिक्विड फॉर्म को चेक करना है, उसको चेक करने के लिए यही फोर्स को यूज किया जाता है और यही प्रोसेस को सेपरेशन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। सो ये इसकी एप्लीकेशंस आपको आपको लेबोरेटरीज में मिल जाएगी, देन यू विल फाइंड इन द डेयरी प्रोडक्ट आल्सो एंड इन होम यूजिंग वॉशिंग मशीन, ठीक है। सो आई होप आपको सेंट्रीफ्यूगेशन अच्छे से समझ आया हो। नाउ मूविंग ऑन विद अनदर प्रोसेस, अप टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, बाय।